बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर इन दिनों अपने नए म्यूजिक रियलिटी शो को लेकर काफी चर्चा में हैं। कैलाश खेर दूरदर्शन पर अपने नए म्यूजिक रियलिटी शो भारत का अमृत कलश महोत्सव को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में हैं। इसी को लेकर कैलाश खेर ने मुंबई के फिल्म सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान कैलाश खेर ने बताया कि वह 7 साल बाद दूरदर्शन पर अपना नया म्यूजिक रियलिटी शो भारत का अमृत कलश महोत्सव के माध्यम से दर्शकों से मुखातिब होने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत तो हर क्षेत्र में बहुत ही प्रगति कर रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह भी रहे हैं, अभी 9 आग्रह पूरे भारत से किए हैं हमारे साहब ने, और ये बोल रहे हैं कि अपनी वस्तुओं पर ध्यान दो, अपनी विधाओं पर ध्यान दो, अपनी संस्कृति पर ध्यान दो, अपनी भाषाओं पर ध्यान दो, अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान दो, और यहाँ तक कि साहब कह रहे हैं कि विदेशों में शादियां मत करो, भारत में देख लो, पहले भारत घूम लो फिर विदेश घूम लेना। तो ये कितने बड़े संदेशे हैं, यदि बड़ों के ऐसे अच्छे संदेशे आए तो संततियां सुधर जाती हैं। इसी श्रृंखला में एक बात ये है कि जो हमारा संगीत है, जो धीरे धीरे या तो फिल्मी हो रहा है या फिर विदेशी संगीत को फॉलो कर रही हैं जनरेशन्स, उनमें भी धीरे धीरे आवश्यकता थी कि हमारा जो पौराणिक संगीत है, जो जड़ें हैं हमारी, जो हमारे सांसों में बसा है, हमारे रोने में भी संगीत, हंसने में भी संगीत, जागने में संगीत, सोने में संगीत, यहाँ तक कि किसी पे क्रोध करें तो भी संगीत, तो जहाँ कण कण में संगीत छुपा हो उस संगीत की कहीं वैल्यू या नहीं है। तो आने वाली जनरेशन्स को ये बताने के लिए कि ऐ मेरे भारत, ये धरोहर आप की है, इसको कहते हैं भारत का लोक संगीत, फोक म्यूजिक। फोक जो म्यूजिक की इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे विलुप्त हो रहे हैं, उनको अगली पीढ़ी है या नहीं बजाने वाली, बनाने वाली भी नहीं है। पहले कोई जो संगीत के चाहक होते थे, घर में तुम्बा उगाते थे, कद्दू उगाते थे, उस कद्दू को पका के तुम्बा बना लेते थे, उससे इकतारा बन जाता था, यानी उगाने से लेकर बनाने तक और फिर गाने तक संकीर्तन कर रहे हैं इकतारा बजा के। ये था मेरा भारत। भारत के मोहल्लों में, भारत के कुनबों में, भारत के नुक्कड़ों में आज भी 4-5 लोग इकट्ठे होकर ऐसे ही खुशी के गीत गाने लगते हैं, वर्षा के गीत गाते हैं, वृक्षों के गीत गाते हैं, वृक्षों पे नव पल्लव आते हैं तो भी गीत गाते हैं। भारत तो खुशियों का देश है जी, भारत तो संगीत है भरा हुआ, भारत के कण कण में संगीत भरा हुआ है, लेकिन विस्मृत हो रहा है। इसलिए हमारी ये बड़े स्वप्न था, ये जब से हमारा करियर शुरू हुआ था 18 वर्ष से, कि हे मेरे भारत, हे मेरे देश, हे मेरे परमात्मा, अब जो खोया हुआ है उसको पाने की जिद है मेरी, तो उसको भी हम थोड़ा पुनरुत्थान करें। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी को जब ये आइडिया हम लोगों ने दिया तो उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट करके आज्ञा दी, आशीर्वाद दिया, और आज स्वप्न मूर्त रूप में आया है भारत का अमृत कलश बनकर, भारत का संगीत, लोक संगीत, भारत की लोक विधाएं, भारत को हम सौंपने के लिए लेकर आए हैं। इस रियलिटी शो का नाम है, जो भारत के इतिहास का पहला ऐसा शो है जो 28 राज्यों में और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं, हम जाकर ऑडिशंस किए मालिनी जी, और छांट कर वहां से कुछ रत्न लेकर आए हैं। अब वो रत्न हमारे भारत के अमृत कलश का हिस्सा बनेंगे और अपने अपने राज्य को आगे लेकर जाएंगे। ओवर टू। पहले तो बधाई दूंगी दूरदर्शन को, प्रसार भारती को, कि उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि ये जब आज का युवा अपने आसपास के परिवेश में जो देख रहा है वही सीख रहा है, उसके लिए हम नया क्या सृजन कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या दिखा रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को सेलिब्रेट कीजिए, भारत का उत्सव मनाइए, तो हमें बताना भी पड़ेगा कैसे कैसे हमारे पास क्या थाती। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनकी पहल और सोच के कारण
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने इस पूरे इनिशिएटिव को आगे लिया और प्रसार भारती जी ने कैलाश जी को इसमें पूरा एक अगुआ करके इस पूरे उत्सव को आगे बढ़ाया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज इसका अंश बनकर, और जैसे ही कैलाश जी का फ़ोन आया बस मैंने तुरंत कहा कि मैं आती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है हर कलाकार, हर लोक कलाकार के मन की बात है। आज जितनी तेज़ी से वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, हर बच्चा, हर युवक पूरे विश्व की संस्कृति से एक्सपोज्ड है, लेकिन अपना ही हम नहीं दिखाएंगे तो यहाँ बहुत भारी चूक हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है पहली बार शायद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप पूरे भारतवर्ष के जो 36, 28 राज्य और 6 जैसा आपने बताया यूनियन टेरिटरीज, उनके आप कलाकारों को सुनेंगे, वो अपनी बोली में कैसे उत्सव मनाते हैं, गीत कैसे अस्तित्व में आए। आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा, बोलियाँ सबकी अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन आत्मा एक है, यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। मुझे लगता है अमृत कलश में जो अमृत छलकेगा, इसके तो सीजन पे सीजन आते जाने चाहिए, और ये बहुत बहुत कामयाब हो। शो महादेव से मैं आज यही मानती हूँ, आज कार्यक्रम में मैं बैठी थी और भगवान राम का सोहर जब बजा और गूंजा तो मुझे याद आया कि एक समय था आज से 20 साल पहले कि दूरदर्शन में ये भगवान राम के जन्म का मैं सोहर गा रही, तो मुझे मना कर दिया गया था कि नहीं गाना है, अयोध्या में राम जन्म ये नहीं गाना है। वहाँ से लेकर के आज ये भारत का सौभाग्य, हम सब सनातन धर्मियों का सौभाग्य है कि इस समय हम उत्सव राम का मना रहे हैं, राम संस्कृति हमारी, और हम उनके गीत गा रहे हैं। मैं आज जिन कलाकारों ने आज गाया उनको भी आशीर्वाद देती हूँ, और आप सभी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, आप जहाँ तक पूरे कार्यक्रम को ले जाएं कि देश भर के जो लोक कलाकार हैं वो एक अपनी एक आस ना छोड़ें। अब उनके लिए प्रसार भारती और अमृत कलश और कैलाश जी इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं कि उन सबको अवसर मिलेगा यहाँ पर आने का और गाने का। मैं इसमें एक और बात, मालिनी जी ने कितनी प्यारी बात कही कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिमान कैसे हो, कैसे हमारी जनरेशन को, संततियों को पता लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदेशों में हम जाते हैं, मालिनी जी भी बहुत शोज करती हैं पूरे वर्ल्ड में, तो विदेश तो भारत को गा रहा है, भारत भारत को नहीं गा रहा, ये है चूक। इस चूक को और न चूको वरना ज्यादा ही चूक जाओगे। तो एक तो ये है, दूसरे ये अब उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि कुछ वर्ष से भारत इतना प्रगतिशील हो रहा है हर क्षेत्र में, तो संगीत में भी हम अपनी जड़ों की ओर उन्मुख हों, और इसके लिए हम ये बहुत ही बड़ा कार्य, नेक कार्य भारत को के लिए, भारतवासियों के लिए ये कर रहे हैं कि उनको उन्हीं की जड़ों से जोड़ रहे हैं। यहाँ तो हमारे भारत में तो पेड़ भी गाते हैं, नदियाँ भी गाती हैं, पर्वत भी गाते हैं, इसीलिए हमने अभी उठान जो इसकी लाइन लिखी है भारत जिसका नाम, यहाँ पर उत्सव उगते हैं, ठीक है, और यही है पावन धरा, हंस जहाँ मोती चुगते हैं, पर्वत झूम रहे, नदियां नाच रही, और घर घर तवा फूकनी चिमटा ढोलक बाज रही। देखिए घरों में जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो यह बाजता है, और कोने कोने रत्न जड़े, प्रांत प्रांत गुणवंत खड़े, इतिहास में पहली बार मेरे भारत का अमृत कलश है, खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश। साहेब भारत के खंड खंड से हम लगभग पिछले 2 महीनों से, जैसा मालिनी जी ने भी अभी रिमाइंड कराया, 28 राज्य और 7 गणराज्य, यानी जिसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, खंड खंड से, सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से गुवाहाटी तक और अपने और सारे खंड खंड तक, साहेब वहां से हम चुनकर लाए हैं। पहले 136 थे, 136 को 72 बनाया, 72 में से अब शायद 36 आए हैं, उनमें से हर राज्य से 2-2 प्रतियोगी खड़े हैं यहाँ पर। आज से ये गाला शूट प्रारंभ हुआ है, मालिनी जी को भी यहाँ पर दर्शन हो गए, हम लोगों को उनका भी आशीर्वाद मिला है सबको, और यही बस खुशियों की बात, आज से प्रारंभ है, और बहुत ही शीघ्र आपको लगेगा कि हे मेरे दाता, इतनी बड़ी भूल हम कर रहे थे, 74 साल पहले तो हमारे भारत को गणराज्य बना दिया गया था और आज़ादी भी मिल गई थी, लेकिन हमारा संगीत कहीं गुम गया था,
उसको कहीं विस्मृत कर दिया गया था। अब एक नया प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है भारत का अमृत कलश। साहब 27 जनवरी को ओपनिंग एपिसोड आएगा दूरदर्शन नेशनल पर, साथ में हमारा दूरदर्शन का ओटीटी भी आ रहा है एक नए नाम से। तत्पश्चात ये साइमलकास्ट होगा किसी और चैनल या ओटीटी पर भी। क्यों? क्योंकि ये भारत का उत्सव है, पूरा भारत मनाए। पूरी नजर डालिए साहब, ऐसी ऐसी जगह से हम ऐसे ऐसे हीरे खोज कर लाए हैं हमारी टीम, आप हंसेंगे। कहीं कहीं तो रुकने के भी साधन नहीं थे, को घरों में रुके जा जाके, लेकिन ऐसा ही माल लेके आए हैं, खजाना लेके आए हैं, संपत्ति लूट के लाए हैं भारत की। जैसे हाँ, जैसे मैं बताऊं आपको, रावण हत्था बजाने वाला भाई नहीं, रावण हत्था नाम सुन लो तो आप दंग रह जाओगे। तो धीरे धीरे क्यों नहीं है, एक तारा बजाने वाले गहरे कलाकार अब रहे ही नहीं। अब सांप जो स्नेक चार्मर कहा जाता था सपेरों को, वो सपेरे तो शिव भक्त होते हैं, वो तो अपने एक समूह में गाते हैं, 10-10 सपेरे एक साथ, बगल बच्चा और चिमटा और बीन, 5 सुरों की बीन से वो भगवान शिव की आराधना के गीत गाते हैं। तो ये बहुत अलग हमारा भारत है। देखिए आपने जो बात पूछी, जब विधा विधा से जुड़े हुए साज, विधा लुप्त होगी तो साज लुप्त होगा, और वैसे ही वर्षा है, साज लुप्त होगा तो विधा लुप्त होगी। जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे उत्तर प्रदेश में नौटंकी रानी कही जाती है लोक विधा की, नौटंकी के साथ नकारा बजता नगाड़ा। उत्तर प्रदेश की जान थी नौटंकी और साथ में नकारा। आज गिनती के 2-3 लोग नकारा बजाने वाले बजे, अब नौटंकी के नाम पे हुहड़ता है। अब वो फिल्मी गानों पर कम वस्त्र पहनकर और बेडोल शरीर से बेडोल हो रहा है मंच पर, उनको मंच नहीं अच्छे मिल रहे हैं। बस इन कार्यक्रमों के बहाने अच्छा मंच मिले, स्तर और अच्छा मंच मिले। बची हुई है, बहुत बची हुई है। अरे मेरे बाबा, कितना धनाढ्य है हमारा देश हमारी संस्कृति से। अभी मणिपुर के जो दो प्रतियोगी थे उनमें से हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, किसको चुने किसको न चुने, ऐसा कर दिया मणिपुर की, समझ लेना सर, इतनी सिंसियर परफॉर्मेंसेस। आप कुछ पूछ रहे थे जी, हाँ, तो 7 साल के बाद कैलाशा की जो तेरी दीवानी, सैया और चांदन में, तौबा तौबा, आज मेरे पिया घर आवेंगे की श्रृंखला में, मालिनी जी अब नई एल्बम आ रही है परसों 21 दिसंबर को आ रही है, इसका नाम है ओ दिलदारा ओ दिल जानी, ओ ले जा मेरे मेरा कलेजा मेरी निशानी, ओ दिलदारा ओ दिल जानी, ओ दिल जानी, ये नाम से एल्बम आ रहा है कैलाशा का। ऐ मेरे कैलाशा के चाहकों, संगीत के रसिकों, संगीत के प्रशंसकों, अच्छे संगीत के, अच्छे लिरिक्स के चाहकों, आपके लिए बहुत ही प्यारा उपहार एक इस त्योहारों पर आ रहा है। तो आप बस जुड़े रहिए और आनंद लीजिए कैलाशा की नई एल्बम ओ दिल जानी। नहीं भाई, फिल्मों का जिक्र ना करो, फिल्मों के सही तो आपको इल्मों की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ भी फिल्में गाड़ रहा। 2% है भारत का संगीत फिल्मों में, 90-98% संगीत भारत का, भारत के अलग अलग अंचलों में बसा है। प्लीज आप लोग उसके भी बारे में बात कीजिए। देखिए फिल्मों में भी फोक और हमारा फोक से क्लासिकल और उन्हीं के प्रकारों को आकर यहाँ पर भेलपूरी बनी है ज्यादातर फिल्मों में, ठीक है, लेकिन ये हमारी जड़ें हैं, इसको प्योर शुद्ध पवित्र रूप में ही हम लेकर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं जनरेशंस को, संततियों को, कि ये था, ये है आपकी संपत्ति। जहाँ जहाँ जैसे जैसे यज्ञ में आहुति डलती रहेगी,
और अमृत कलश निकलेंगे। एक लाइन गा लो। आज मैंने गाया क्योंकि मुंबई है। बचाओ उसे राम जी के भैले जन्मवा चलो करिया दर्शनवा, राम जी के भैले जन्मवा चलो करिया दर्शनवा, राजा दशरथ मोहरे लुटावे बरसत फूल आंगनवा चलो करिया दर्शनवा, राम जी के भैले जन्मवा चलो करिया दर्शनवा। आप सभी को यहाँ पर नित नए दर्शन होंगे भारत के, भारत की आत्मा के, भारत के संस्कृति के, भारत का अमृत कलश। अलग अलग प्रांत से ये